हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रॉ लेबल सिक्योरिटी के बारे में। बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक रॉ लेबल सिक्योरिटी पावर बीआई में क्या काम करती है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। बट अगर हम सिंपल टर्म से बात करें तो ये एक जस्ट एक फिल्टर है जो एक यूज़र वाइज जो है वो फिल्टर अप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि हम अगर चाहते हैं कि कुछ कुछ पर्सन को कुछ स्पेसिफिक डेटा दिखाई जाए और दूसरे पर्सन को कुछ और स्पेसिफिक डेटा दिखाया जाए, तो हम एक फिल्टर अप्लाई कर देते हैं हमारे फुल डेटा सेट पर, जो जिसके बेस पर वो फिल्टर आउट होता रहता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पर और लाइव देखते हैं कि इसे वो कैसे स्टेबलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे जिसमें कुछ एक मैट्रिक्स है जहाँ पर हम कंट्री देख सकते हैं। तो आप कंट्री पर क्लिक करके कंट्रीज वाइज फिल्टर कर सकते हैं। तो अब यूज केस ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो कनाडा का जो मैनेजर है वो फ्रांस का डेटा देखे, या जर्मनी का जो मैनेजर है वो मैक्सिको का डेटा देखे। नहीं, स्पेसिफिक करना चाहते हैं कंट्री के हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिल्टर में ही कंट्री को अप्लाई कर देंगे तो वो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि यूज़र वाइज जो है डिपेंड किया जाए कि किस यूज़र के लिए कनाडा का डेटा दिखे, किस यूज़र के लिए फ्रांस का डेटा दिखेगा, या किस यूज़र के लिए किसी और अदर कंट्री का डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम RLS से डिफाइन करेंगे। तो RLS से कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम जाएंगे डेटा मॉडलिंग में, यहाँ पर मॉडलिंग के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको मैनेज रोल्स। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो रोल्स ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइडेड है। इसको हम मान लीजिए डिलीट कर देते हैं इनको। अब ये ऐसी विंडो आपको ओपन होगी। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है वो रोल। तो क्रिएट करके मैंने रोल का नाम दे देता हूँ। मान लीजिए कंट्रीज हैं हमारे पास, तो एग्जांपल के लिए मैंने पहले जर्मनी के लिए फिल्टर किया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ कनाडा के लिए। ये दो मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए क्रिएट किए हैं। अब कनाडा के लिए मुझे क्या सेल्स टेबल के किस पर फिल्टर लगाना है, मैं क्लिक करूँगा मैं इन थ्री डॉट्स पर, यहाँ पर जाऊंगा और कंट्री कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इस कंट्री कॉलम में मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा कनाडा। क्लिक करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो मतलब ये ठीक तरीके से हो गया है। इसी तरह से अब हम जर्मनी पर डिसाइड करते हैं। जर्मनी में भी हम थ्री डॉट्स जाएंगे, एड ए फिल्टर और कंट्री पर, और कंट्री का जो फिल्टर है यहाँ पर जर्मनी हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो अब हमने दो रोल बना लिए हैं। जो पहला रोल है वो है कनाडा का, और जो दूसरा रोल है वो है जर्मनी का। अब इसमें हम पर्सन को किस तरह से स्टेबलाइज करेंगे वो हम देखते हैं। तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या व्यू परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी में ही व्यू एस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सारे व्यू दिख जाएंगे। तो अगर मैं कनाडा पर क्लिक करूँ और ओके करूँ, तो इस वक्त ये कनाडा का व्यू मुझे दिख रहा है। और अगर मैं इसे स्टॉप करके दोबारा से जर्मनी पर क्लिक करूं तो मुझे अब ये जर्मनी का व्यू दिख रहा है, दिख रही है। तो ये ठीक से काम कर रहा है। अब इसे हम पावर बीआई सर्विस में लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम रिपोर्ट करेंगे पब्लिश, यहाँ से पब्लिश, क्योंकि जो हम पर्सन असाइन करते हैं वो हम पावर बीआई सर्विस के अंदर करते हैं, ना कि डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में हम सिर्फ स्टेबलाइज करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं वो ग्रुप्स। तो इस तरह से प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा। तो अब ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, यहीं से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो रही है पावर बीआई सर्विस में, वही सेम फाइल। ठीक है, देखिए ये काम कर रही है। अब यहाँ पर हम डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कैसे मैं डिसाइड करूँगा। अब देखिए मैं इसे काट देता हूँ और जाते हैं हम इस वर्क स्पेस में। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, रिपोर्ट का नाम था RLS। तो अब यहाँ पर हमें डेटा सेट में जाना है, डेटा सेट की सिक्योरिटी सेटिंग्स में। तो डेटा सेट नीचे वाला है, ये डेटा सेट है। तो इसमें हम थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कनाडा के लिए और जर्मनी के लिए हम यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए कनाडा के लिए मैं यहाँ पर ये आईडी असाइन कर सकता हूँ,
जर्मनी के लिए, ठीक है मैं सेव कर देता हूँ, और अब जर्मनी के लिए मैंने यहाँ पर अपनी आईडी सिलेक्ट कर ली है, ये रही सिलेक्ट कर ली, ओके और इसको भी हम सेव कर देंगे। अब कनाडा के लिए और जर्मनी दोनों के लिए यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, एक तो मैं मुझे एक दूसरी आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तो मैं यहाँ पर जर्मनी, मेरे पास एडमिन एक्सेस भी है तो मैं फुल डेटा भी देख ही सकता हूँ, तो मैं अपना व्यू कैसे देखूंगा, तो मुझे उसे थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने रोहित के लिए ग्रुप यहाँ पर स्टार्ट किया है, वो अपनी आईडी से लॉगिन करके अगर हमने इसको शेयर की होगी रिपोर्ट तो वो देख सकता है। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं डैशबोर्ड में, लिखते हैं RLS, रिपोर्ट ओपन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी ऑल कंट्रीज आ रहे हैं, यहाँ पर वो जो रो है वो दिख ही नहीं रही यहाँ पर। तो अब इसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड में वापस, यहाँ पर खोलेंगे RLS और यहीं पर हम जब राइट क्लिक करेंगे तो वापस हम सिक्योरिटी पर जाता हूँ, तो अब इन्हीं 3 डॉट्स पर हम टेस्ट कर सकते हैं रोल। अगर हम जर्मनी पर जाकर के टेस्ट के रोल करें तो देखेंगे ये जर्मनी डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर मैं कनाडा शो करूँगा तो ये कनाडा का डेटा यहाँ पर शो करने लगेगा। तो ये हमारा स्टैटिक रोलेबल सिक्योरिटी। अब ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको टेस्ट हम इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दूसरी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ही एडमिन हूँ, इसलिए मेरी आईडी पर सेम मेरी आईडी पर वो रोलेबल सिक्योरिटी हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, तो लेकिन दोनों ही रोल जो है वो परफेक्टली फाइन कर रहे हैं, जर्मनी एंड कनाडा का। अब हम बात करते हैं डायनेमिक रोलेबल सिक्योरिटी की। डायनेमिक रोलेबल सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए इसका एक पहले यूज केस लेते हैं। इसी सेम ही रिपोर्ट पर अगर मैं इस सेकेंड पेज पर जाऊँ तो एक और रिपोर्टेड क्रिएटेड है, और जो ये रिपोर्टेड क्रिएटेड है वो हम यूजर वाइज देखना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टेबल कनेक्टेड है, यूजर टेबल, और इस यूजर टेबल में हमारे पास कुछ यूजर्स हैं। अगर मैं यूजर नेम यहाँ पर लगा दूँ और इसको फिल्टर में डाल दूँ, आप देखेंगे कि अगर मैं किसी भी यूजर पर क्लिक करता हूँ तो उसका डेटा यहाँ पर फिल्टर आउट हो गया है। अभी ये 5 यूजर हैं तो हर यूजर का डेटा मुझे दिख रहा है, पर हम चाहते क्या है कि जब भी कोई लॉगिन करे हमारी रिपोर्ट देखना चाहे तो उसको अपना पर्सनल डेटा दिखाई दे। जैसे अगर हम बैंक की ऐप खोलते हैं तो मुझे अपना ही बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसमें दिखेगी, मेरा ही सारी ट्रांजेक्शन वगैरह दिखेंगी। तो इसी तरीके से हमने पास कोई डैशबोर्ड है, एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉई डैशबोर्ड है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें मेरी से रिलेटेड आ रही है तो पावर बी जो फाइल है उसमें सिर्फ मेरी ही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे और किसी की इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाई ना दे। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने कंट्री का देखा स्टैटिक में, तो 2 कंट्री के लिए हमें 2 रोल स्टेबलाइज किए। अगर हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज होती हैं तो हमें मल्टीपल रोल बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी 5 यूजर हैं, तो कंपनीज में 1000 यूजर भी हो सकते हैं, 2000 यूजर भी हो सकते हैं। तो अगर हम 1000 यूजर और 2000 यूजर के लिए रोलेबल सिक्योरिटी बनाने बैठेंगे तो हमारा काम यही रह जाएगा, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या आएगी जब उनको असाइन करने की, क्योंकि तो जितने हम रोल बनाएंगे उसमें हर पर्सन को उसी नेम से उसको असाइन करना पड़ेगा, और नए जो एम्प्लॉई ज्वाइन होंगे या जो एम्प्लॉई छोड़ जाएंगे तो उनको भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो काफ़ी टीडियस वर्क हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टैटिक अप्रोच ना लेने के बजाय हम डायनेमिक अप्रोच लेंगे, यानी कि पर्सन जब लॉग इन करेगा उससे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और उससे फिर हम डेटा में फिल्टर लगा लेंगे। देखिए इसके लिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मैंने एक मेजर बनाया है यहां पर जिसका नाम है, और मेजर मैंने जो फंक्शन यूज किया है वो है यूजर प्रिंसिपल नेम। तो ये जो फंक्शन है वो बताएगा कि जो यूजर लॉग्ड है, जो यूजर जिस यूजर ने लॉग इन किया हुआ है उसकी मेल आईडी क्या है। लेकिन इस फंक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब हम लोकल खोलते हैं फाइल को तो वो सिस्टम का नाम देता है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये मेरा सिस्टम का नाम है। तो हमें पहले ये टेस्ट करना है कि अब ये मेल आईडी कहाँ पर देगा, यानी कि उसके पर्सन की मेल आईडी कैसे पता चलेगी हमें जिसने लॉगिन किया है।
तो वो क्योंकि जब हम ये पावर बी आई सर्विस में देखेंगे तो पावर बी आई सर्विस में दिखाई देगी कि किसने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर मेल आईडी आती है या नहीं। ठीक है, दोबारा से पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद हम रिपोर्ट ओपन करते हैं। देखिए अब ये मेल आईडी यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। देखिए मेल आईडी आ गई यहाँ पर। हाँ, मैं सेलेक्ट कुछ भी करूंगा उससे मेल आईडी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि जो मैंने लॉगिन किया हुआ है उसके बेस पर ये मेल आईडी आ रही है। अगर मैं किसी और आईडी से लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर कोई और आईडी आएगी जिस भी आईडी से मैं लॉगिन करूंगा। यानी कि अब एक फंक्शन मेरे पास है जिससे मैं आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ कि कौन यूजर लॉगिन है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक रोलेबल सिक्योरिटी। हम डेस्कटॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप में हम एक और रोल बनाते हैं जिसका नाम है यूजर व्यू। ठीक है, यूजर व्यू बनाते हैं। अब यहाँ पर इसमें यूजर टेबल में ऐड फिल्टर, हमें मेल आईडी पर फिल्टर लगाना है और यहाँ पर हमें वो मेजर लिख देना है जो हमने मेजर अभी बनाया हुआ है वो मेजर। ठीक है, उसका नाम है हमारा यूजर नेम अंडरस्कोर ब्रैकेट क्लोज। ये है, ओके करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ये ठीक से काम कर गया है। अब इसे सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या वो व्यू से काम करेगा। एक सेकेंड, देखिए देखिए अभी मैं इसको व्यू करता हूँ और ये यूजर व्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेटा जो है सारा गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेल आईडी आ रही है वो ये आ रही है, तो ये डेटा में है ही नहीं। ओके करेंगे, सारे डेटा गायब हो गया। लेकिन ये काम जो है ठीक से काम करना चाहिए सर्विस में। तो ठीक है, तो अब इसको हम पब्लिश करते हैं। क्या ये लॉगिन हो रहा है? लॉगिन हो गया। ठीक है, अब ये काम कर गया यहाँ पर। अभी हमें असाइन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो असाइन यहाँ जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन RLS में अगर हम जाते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है, यहाँ तो यूजर असाइन है पर यहाँ पर हमें कोई यूजर असाइन नहीं करना है कि ये डायनेमिक चल रहा है। लेकिन अब हम ये व्यू देखना चाहते हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और टेस्ट ऐसे रोल करूँ तो देखिए 3.65 गुलशन की आईडी है या नहीं, तो फिर यहाँ पर ही फिल्टर हो चुका है, कुछ और डेटा नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही यूज़र आ रहा है, यानी सिर्फ मेरी आईडी आ रही है यहाँ पर। ये ठीक से काम कर रहा है। इसमें बैक टू कर लूँ। क्या दोबारा चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो कनाडा वाला भी टेक्स्ट देख सकते हैं। स्टैटिक कनाडा का डेट आ गया और वापस अभी इस यूज़र पर, तो इन पर यूज़र भी सिलेक्टेड हैं पर इसमें कोई यूज़र सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक चल रहा है, ये चलेगा हमारे आईडी के हिसाब से। हाँ, पर यहाँ पर हमें ये व्यू बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया हमारे पास सिर्फ एक ही ईमेल आईडी है और उसी ईमेल आईडी से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों तो हम वो व्यू नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीपल यूज़र आईडी होंगी तो उस हिसाब से वो व्यू हम देख पाते किसी का। ठीक है, पर ये ठीक से काम करेगा, हमने यहाँ पर चेक कर लिया है और ये फिल्टर आउट भी कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।